Hello, viewers. Welcome to Doctor's Health Talk Show. I am Dr. Farhan Tahir. I'm joining you from Philadelphia. Today, I am joined मेरे class fellow Dr. Umar Farooq join कर रहे हैं. Dr. Umar Farooq transplant surgeon हैं Pakistan Kidney Liver Institute Lahore में. Umar, welcome to the show. How are you? Assalamu alaikum. Thank you very much. Alhamdulillah, मैं ठीक हूँ. How are you doing? I'm doing good. Umar, last week we had a conversation about 2 weeks ago almost about the coronavirus expanding Pakistan mein bahut zyada tezi se phail raha hai aur aapne hame thoda inside view diya tha ki aapke ICUs mein kya ho raha hai. So aapki wo information bahut well received hai, logon ne usse bahut fayda uthaya aur aapke jo passion hai, jo compassion hai, wo bhi bahut easily visible tha. So I wanted to come back to you and talk to you ke ab situation kya hai aur main aur aap jo hain wo kuch important aspects of coronavirus ke upar baat karenge today. Pehle main aapse ek baat ye puchna chahta hu. Hamari is talk mein taqreeban hum 4 main aspects ko discuss karenge. Pehla topic jo main aapse discuss karna chahunga wo ye hai ki वायरस के बारे में अभी भी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं. लोग कह रहे हैं ये अफवाहें हैं, ये हकीकी नहीं है वायरस. तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं कि हकीकत में वायरस एग्जिस्ट करता है और उसके जो डैमेजेस हो रहे हैं वो किस तरह एविडेंट हैं. नंबर टू, हमारी एज अ सोसाइटी हमारी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ड्यूरिंग दिस क्राइसिस. आप ऑल्सो ये भी बताएं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की ओवरऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना वायरस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. और एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइमरीली एक ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है और इट सीम्स लाइक कि आप लोगों ने इस क्राइसिस को देखते हुए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको एक्सपेंड कर दिया है. आपने अपने कम्फर्ट जोन से निकल के अपने हॉस्पिटल को कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए ओपन कर दिया और उनको एक एक्सेलेंट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग. दिस इज ए फॉर्म ऑफ ट्रू लीडरशिप. और आप थोड़ा सा हमें बताएं कि पीकेएलआई की लीडरशिप, उसके फिजिशियंस, उसकी जो हेल्थ केयर टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरह इस काबिल हुए हैं कि वो स्टेप अप कर सकें. सो विद दैट आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर योर सर्विसेज एंड for your team services jo aap log kar rahe hain. so kindly start kare virus ki misconceptions ke bare mein, myths kyun hain aur kya chal raha hai aajkal. Pakistan mein virus is waqt jo hai na wo kafi tezi se phail raha hai. Number of deaths har roz increase hoti ja rahi hain. Kal jo national figures the wo 150 ke kareeb the, aaj 120 ke kareeb hain. Aaj se 2 hafte pehle average number of deaths 70 ya 80 thi rozana ki, jo ki ab 150 pe pahunch gayi hain. It is a real threat. लोगों की जिंदगी को और जान को इससे डेफिनेट खतरा है. लेकिन यहाँ पे जो कुछ मिसकंसेप्शंस है मैं उनका जिक्र करता हूँ. नंबर वन, लोग ये समझते हैं कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता या डॉक्टर उनको कोई जहर के टीके लगा रहे हैं अस्पतालों में ले जाके. और तीसरी मिसकंसेप्शन ये है, ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है. तीसरी मिसकंसेप्शन ये है कि हमारा मरीज चलता हुआ अस्पताल में आया था और फिर उसकी डेड बॉडी हमने रिसीव की है, तो क्या हो रहा है अस्पतालों में. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है, लोग जिस तेजी से बीमार हो रहे हैं और सीरियस बीमार होते जा रहे हैं, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि उनको उनको तब यकीन आएगा इस बीमारी का जब उनके घर में खुदा ना खास्ता कोई सीरियसली बीमार हो जाएगा या किसी की जान चली जाएगी. ये एक रियल थ्रेट है जिससे रियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. पाकिस्तान में डॉन के लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक 3500 हेल्थ केयर वर्कर्स अभी तक इन्फेक्ट हो चुके हैं और 35 लोगों की डेथ हो चुकी है. तो ये कोई मजाक नहीं है. दुनिया जहान की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी रुक गई है. वहां पे लाखों लोगों की डेथ हुई है. तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, कोई जहर के टीके नहीं लगा रहा. सबसे आखिरी क्वेश्चन जो लोगों का कॉमनेस्ट है कि हमारा मरीज चलता हुआ आया था और उसके साथ क्या हुआ, उसका साइंटिफिक जवाब है. कोरोना वायरस बेसिकली लंग्स और हार्ट को अफेक्ट करता है प्राइमरीली. हर चीज, बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है लेकिन लंग्स और हार्ट को करता है. एक मेडिकल टर्म है जिसको हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सीमिया, जिसका मतलब ये आसान लफ्जों में कि बंदा देखने में ठीक नजर आता है लेकिन अगर आप उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखें तो वो नॉर्मल से काफी लो होती है. ऐसे लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में दाखिल होते हैं
और जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ती है वो जल्दी से डिटेरिरेट करते हैं और उनकी डेथ हो सकती है या वो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों की बाकायदा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो लोगों के साथ हो रहा है। डॉक्टर्स और नर्सेज बीमार हो रहे हैं रोजाना, इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से, उनकी डेथ हो रही है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। और पूरी दुनिया की पिक्चर को भी देखने की कोशिश करें कि पूरी दुनिया में ये बीमारी चल रही है और लोग अफेक्ट हो रहे हैं। सो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इसके पीछे कोई कहीं से डॉलर नहीं ले रहा, कोई किसी को टीके नहीं लगा रहा, ये बहुत ही मुश्किल बीमारी है, लोग मुश्किल हालात में हैं। आप जब मरीजों को आईसीयू में देखते हैं तो वो मरीज ऑक्सीजन पे होते हैं और उनकी कंडीशन आपको अंदाजा है कि किस तरह की होती है, बड़ी सीरियस कंडीशन में होते हैं, उनको कोई इंसानी चेहरा नहीं नजर आता। जितनी नर्सेज वहां काम कर रही हैं वो पीपीज में और मास्क में काम कर रही हैं, फैमिली मेंबर कोई करीब नहीं आ सकता। तो आप सोचें कितनी मुश्किल सिचुएशन है। इंसान तब इस बात का यकीन करेगा जब वो आईसीयू में दाखिल होगा और ऐसी मुश्किल सिचुएशन देखेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि इसको सीरियसली लेने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। दिस इज अ मतलब ये एक खतरनाक बीमारी है जिससे रोजाना बहुत सारी अमवात हो रही है और फैलती जा रही है। इट्स हाई टाइम कि हम इसको सीरियसली लें और एहतियात जो एडवाइस की जाती है, एहतियात, मास्क पहनना, हाथ धोना, उस पर अमल करें। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। उमर, आप मुझे ये बताएं कि जब आप करंटली हॉस्पिटल में अब राउंड कर रहे हैं, आपके सेंसेस क्या हैं आईसीयू के, जनरल मेडिकल फ्लोर के कितने मरीज हैं उधर और उनकी सिचुएशन क्या है? कोई डेथ्स आपने देखी है इंक्रीज जी बिल्कुल, आप पिछले दो हफ्ते में हमारे डेथ्स इंक्रीज करती जा रही हैं, आईसीयू मुकम्मल फुल जा रहा है, जितने बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड हैं और वेंटिलेटर पे पेशेंट्स की तादाद भी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। बेसिकली हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर के बगैर मैनेज करने की कोशिश करें। ये हमारा एक प्रोटोकॉल है जो मैं आगे जाके डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मरीज इतने ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं कि बहुत लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं और दुनिया भर में जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं उनकी मौत या मॉर्टेलिटी जिसको कहते हैं उसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो पिछले दो हफ्ते में डेफिनेट स्पाइक है, बहुत मरीज सीरियस हैं। आईपीडी में जो मरीज दो महीने पहले हल्की सी 2 लीटर ऑक्सीजन पे होते थे या ऑक्सीजन के बगैर होते थे, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ऑन ऑक्सीजन इन आईपीडी नाउ। सो द नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट्स की तादाद जो है ना वो बढ़ती जा रही है और रैपिडली बढ़ रही है। तो इसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि हम ये सोच सकते हैं कि जैसे बर्डन ऑफ डिजीज बढ़ रहा है, लोगों की बीमारी की शिद्दत बढ़ रही है, हमारे ऊपर, हमारी पब्लिक के ऊपर और हेल्थ केयर टीम्स के ऊपर कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, यू नो इन द कॉन्टेक्स्ट हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? आप काइंडली हमें गाइड करें कि अगर मैं एक आवाम के तौर पे सोच रहा हूँ तो मुझे क्या सोचना चाहिए और एज ए हेल्थ केयर टीम? इसमें मैं एक चीज कहता हूँ, हमारी फ्रंट लाइन जो है ना डेफिनेटली हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, लेकिन नर्सेस और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो कि एक हाईली क्लासिफाइड नर्स होती है जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन डिलीवरी की डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, नर्सों को जितना सलाम पेश किया जाए कम है। अजीम है हमारे मुल्क की वो नर्सें जो फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं, 6-6, 8-8 घंटे ये पीपीई पहन के इंतहाई गर्मी में काम करना, पानी नहीं पी सकते आप जब पीपीई पहना होता है 6 घंटे के लिए, बाथरूम नहीं जा सकते आप 6-8 घंटे के लिए, बहुत मुश्किल ड्यूटी है। मैं सलाम पेश करता हूँ सफाई वालों से लेके, नर्सों से लेके, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से लेके तमाम जूनियर स्टाफ को जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है। हमारे पास 8 रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, जो हमारी लीड रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है उसका 8 साल का बच्चा है, हमारी 3 रेस्पिरेटरी और थेरेपिस्ट खवातीन है जो 23-24 साल की हैं, दो की शायद अभी शादी हुई है, हमारे पास 1 रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है जो पैदाइशी तौर पे लिंप करता है यानी कि लंगड़ाता है। लेकिन आप उन लोगों को आईसीयू में काम करता देखते हैं जब, तो आपका ईमान ताजा हो जाता है, इतनी मेहनत से 8-8 घंटे ये लोग काम करते हैं। मैं रियली इनको सलाम पेश करता हूँ, ये रियल हीरोज हैं। डॉक्टर्स शायद मेरी नजर में इसके बाद आते हैं, मतलब हम पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सके नर्सेस को इज्जत दें, उनको सलाम पेश करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको शुक्रिया अदा करें, उनके लिए दुआ करें। दे आर रियली फाइटिंग फॉर अस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा मैसेज मेरा पेशेंट्स के लिए
और आवाम के लिए ये है कि थोड़ी सी टॉलरेंस रखना जरूरी है। अगर आपकी तबीयत अस्पताल में बेहतर हो रही है और आपको खाना आधे घंटे बाद मिलता है तो नर्स को नाराज ना हो, वो यकीनन किसी सीरियस मरीज को देख रही होगी। पाकिस्तान में इतनी नर्सें नहीं हैं, इतनी लॉजिस्टिक्स नहीं है कि हर बंदे को हर चीज़ एग्जैक्ट टाइम पे मिल सके। ये हम सबको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्र रखने की भी ज़रूरत है इसमें। मैं आपको अपने हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ और ये मैं प्राइमरीली अपने ही हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। सो थोड़ी सी टॉलरेंस रखें और नर्सों को बहुत सारी दुआएं दें और बहुत सारी इनकरेजमेंट दें। जूनियर डॉक्टर्स को भी इनकरेज करें, सीनियर डॉक्टर्स को भी करें जरूर, लेकिन नर्सेस को प्राइमरीली बहुत इज्जत देने की जरूरत है। हमारे साथ बहुत अच्छी नर्सेस काम कर रही हैं, मैं दोबारा आपको कहता हूँ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, रियली ग्रेट पीपल। आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं मुझे जरा थोड़ा उनको दोबारा मैं समराइज करना चाहूँगा। देखिए, जो फर्स्ट आपने पॉइंट रेज किया है वो ये है कि जो हमारी हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स हैं उनमें वो लोग जो पैरामेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर के अलावा जो सपोर्ट स्टाफ है, हम डॉक्टर्स उन पर रिलाई करते हैं। हमारी नर्सेज फ्रंट लाइन पर है, मरीजों को जहाँ से जब वो एडमिट होती हैं वहाँ से लेके ब्लड ड्रॉज हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उनको नहलाना धुलाना है, उनको खाना देना है, ये सब काम करते हैं। पूरी दुनिया में खास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में नर्सेज को इस वक्त हीरोज कहा जाता है। आप किसी भी हॉस्पिटल से गुजर जाए उसके सामने से आप बिग बैनर्स देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है दैट हीरोज, नॉट ऑल हीरोज वेयर केप्स, राइट, एंड वो स्क्रब्स दिखाए हुए हैं उन्होंने। और सो बात ये है कि हमारे माशरे में मैंने ये बात देखी और थोड़ा दुख भी हुआ सुन के कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों को मार रहे हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं यार इन डॉक्टर्स ने अपनी जिंदगी का, इन नर्सेज ने अपनी जिंदगी का, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो है उन्होंने अपनी जिंदगी दाव पे लगाई हुई है। तो आपने जो पॉइंट रेज किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एज अ सोसाइटी अपनी इनकी को पॉजिटिव रखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जो क्राइसिस कर रहे हैं। देखें, जब जंग होती है तो जो सोल्जर्स होते हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। ये एक हेल्थ केयर वॉर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है। तो जो आपके फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो इसी तरह ही हैं जिस तरह सोल्जर्स, तो उनको भी इज्जत और सपोर्ट की जरूरत है। आप काइंडली इस चीज़ पे थोड़ा सा मुझे, यहाँ पर अमेरिका में काफ़ी अब डिस्कशन हो रही है कि जी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके ऊपर पोस्ट ट्रॉमेटिक PTSD स्ट्रेस डिसऑर्डर क्रिएट होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कॉन्स्टेंटली सीरियस मरीजों को ख्याल कर रहे हैं। तो जो आपका हेल्थ केयर स्टाफ है उनकी मेंटल हालात कैसे हैं, आप जरा थोड़ी सी कैंडिडली शेयर करें डॉक्टर्स के, नर्सेज के, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के दिमागी और मेंटल सिचुएशन को। अच्छा, मेरे ख्याल में ना इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमने एनालाइज की है और जो हमने डिस्कस भी की है वो ये है कि एक हाई लेवल ऑफ मोरल को हाई रखना, मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स का रोल सामने आता है। मेरे हम्बल ओपिनियन में सीनियर डॉक्टर्स को दो चीजें करनी बहुत जरूरी हैं। नंबर वन, दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे से आगे बढ़ के काम करें। PKLI के जो तीनों मेन इंटेंसिविस्ट हैं वो घंटों लगाते हैं ICU में, रोजाना राउंड्स करते हैं। जब वो ICU में जाते हैं तो नर्सों के चेहरे, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के चेहरों पर जो मुस्कुराहट आती है और जो मोटिवेशन मिलती है वो एग्जेम्पलरी है। सो इस वक्त में सीनियर डॉक्टर्स को, उनको ये झंडा उठाना जरूरी है उनके लिए। दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे हैव टू कीप एवरीबॉडी मोटिवेटेड। उन्हें अपने जूनियर स्टाफ का ख्याल रखना है, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो सफाई करने वाले हों, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हों, उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल करना सीनियर डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है। सो सीनियर डॉक्टर को दिल बड़ा रखते हुए ये सारी डेथ्स को फेस करना, अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना और अपनी टीम की हेल्थ की प्रोटेक्शन करना, मेरे नज़दीक ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, PKLI में जो हमारे तीनों कंसल्टेंट ICU के काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब इन दिस। घंटों लगाते हैं ऊपर ICU में और जब वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं तो बाकी लोग खुद ब खुद मोटिवेट होते हैं। हमारे जूनियर डॉक्टर्स जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो जान लड़ा के काम कर रहे हैं। वजह ये है कि जब सीनियर डॉक्टर खुद उस जगह पे मौजूद है तो जूनियर डॉक्टर को सेफ भी फील होता है, उसको गाइडेंस भी फील होती है और वो
मेहनत से काम करता है। यहाँ पे जूनियर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। जूनियर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नंबर वन, उसको अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन क्या है कोविड में, क्या चीज प्रोटेक्ट करती है और क्या चीज नहीं प्रोटेक्ट करती। ये बहुत जरूरी है। सेल्फ प्रेजर्वेशन किसी एपिडेमिक या पेंडेमिक में हेल्थ केयर वर्कर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को किस तरह महफूज रखना है। जूनियर डॉक्टर को इसकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना जरूरी है। नंबर टू, ये मुश्किल वक्त है। इस वक्त जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी ध्यान के साथ और सही हार्ड वर्क की जरूरत है। उनसे क्या एक्सपेक्टेड है? उनसे एक्सपेक्टेड यही है कि मरीज की चेंज होती हुई कंडीशन से सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म रखें। तो उनको बहुत सारी हार्ड वर्क और डेडिकेशन की जरूरत है, लेकिन आई थिंक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सीनियर डॉक्टर। वो अपनी सारी टीम पे नजर रखे, अपनी नर्सेस पे नजर रखे कि कौन मुश्किल में है, कौन डिप्रेस्ड है, कौन डाउन है। अपने जूनियर डॉक्टर्स पे नजर रखे, मीटिंग करे, उनके साथ मीटिंग्स करे जिनमें उन्हें एक्सप्रेस करने की, उनको ये अर्ज करे कि अपने फीलिंग्स, जो परेशानी, एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। एंड आई थिंक हमारा आईसीयू इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एट दिस। मेरे ख्याल से हम लोग एक ग्रुप में अच्छा वेंट आउट करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हर बंदा अच्छा मोटिवेटेड रहे। मैं ये नहीं कहता कि हमारा हॉस्पिटल या हमारा डिपार्टमेंट बहुत परफेक्ट काम कर रहा है, फार फ्रॉम इट। ये बहुत मुश्किल टाइम्स है, दुनिया में कोई भी परफेक्ट काम नहीं कर रहा। टू बी फेयर, हम अपने तजर्बे के मुताबिक जो हमने सीखा है पिछले 4 महीनों में मरीजों के साथ, जो हम थोड़ा बहुत आगे फोरसाइट कर सकते हैं उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करें। एंड क्रेडिट गोज टू द सीनियर कंसल्टेंट्स हु आर वर्किंग डे एंड नाइट थिंकिंग अबाउट इट, ट्राइंग टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट, अगला कदम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे किधर जाएंगे इससे। सो ऑब्वियसली इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी आता है, वो जिस तरह हमें सपोर्ट, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे ऐसी लॉजिस्टिक्स नहीं है जैसी वेस्ट में अवेलेबल है। सो आपको बहुत सारी चीजों में थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है टू कीप द थिंग्स गोइंग, एंड वी आर ट्राइंग टू डू इट, वी आर ट्राइंग टू डू दैट एट पीकेएलआई। सो हमारी तरफ से एफर्ट की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। बाकी जो लिमिटेशंस हैं वो हैं, एंड वी विल ट्राई टू फाइट देम एवरी डे इंशाल्लाह। उमर यार, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग जो आपने शेयर किया है। आई होप कि हर पाकिस्तान के हॉस्पिटल में लोगों का माहौल पॉजिटिव रहे, जो पब्लिक उधर जा रही है वो सेटिस्फाइड आए, और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, नर्सिस को और सपोर्ट्स को अप्रिशिएट करें। आपसे ये पूछना है कि जो लोग आपके रेगुलर पेशेंट थे, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, क्योंकि अब उनको केयर नहीं मिल सक रही या वो आ नहीं सक रहे ईजीली, आपका पीकेएलआई इस वक्त क्या उसने स्टेप्स लिए हैं उन लोगों को ख्याल रखने की जो अब हॉस्पिटल में नहीं आ सकते? अब ये एक, जिस वक्त ये पेंडेमिक आया उस वक्त हमने तकरीबन 82 या 83 किडनी ट्रांसप्लांट्स किए हुए थे। सो हमारे पास 83 किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं और हमारे पास तकरीबन 5 लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, जो उस वक्त हमारी सिचुएशन थी। हमारी आउट पेशेंट अभी भी चल रही है, हम पूरी एहतियात करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, पेशेंट्स को डिफरेंट डेट्स पे कॉल इन करके उनको फॉलो अप कर रहे हैं। जो मरीज ठीक हैं उनको आने की जरूरत नहीं है, उनकी लैब्स हमारे तक आ जाती हैं, हम उनके साथ वर्चुअली भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट याद आया जो आपने शुरू में डिस्कस किया था, ये याद रखने की जरूरत है कि पीकेएलआई प्राइमरली ट्रांसप्लांट अस्पताल है। इट वॉज, ये बनाया गया था किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और इस पेंडेमिक को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको एक कोविड अस्पताल बना दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल जो प्रोटोकॉल्स इस अस्पताल ने डेवलप किए हमारी सिचुएशन में रहते हुए, उसके मुताबिक आई थिंक हमने अपनी मेहनत के साथ काफी अच्छा काम किया है। इतना अच्छा काम किया कि टीवी पे हमारा नाम कभी ना कभी जरूर मेंशन होता रहता है अच्छे लफ्जों में। सो आई गिव क्रेडिट टू ऑल द डॉक्टर्स वर्किंग ओवर हेयर, अच्छे प्रोटोकॉल्स डेवलप किए, अच्छा एटमोसफेयर बनाया, आउट ऑफ, हम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक मेहनत और अगर नियत ठीक हो तो आई थिंक अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। उमर, आपसे ये एक और सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल या मेडिकल स्टैंडपॉइंट से। आपके आप पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजनेशन हो गई, सपोर्ट आईवी फ्लूइड्स हो गए, आप लोग क्या यूज कर रहे हैं मेडिसिंस जो कि अब दुनिया भर में आजकल बात हो रही है, एंटीबायोटिक्स हो गई हैं, एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स हो गई, आप लोग कौन लीड कर रहे हैं उस प्रोटोकॉल को जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स कोविड है?
बेसिकली तो आईसी टीम ने ही लीड किया है इस प्रोटोकॉल को, और इसके पीछे काफी सारी रिसर्च है, क्योंकि कोविड जो है वो पाकिस्तान में 2-3 महीने बाद आया है. सो दुनिया का कुछ लिटरेचर उस वक्त तक छप चुका था जिसको हमारी टीम ने पढ़ा और फिर डिस्कस भी किया. अपना एक्सपीरियंस जो पिछले 3-4 महीने का है उसको इम्प्लीमेंट किया, और जो हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दे सकते हैं, वो देने की कोशिश कर रहे हैं. आपको ये समझने की जरूरत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा इलाज या जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, इट इज़ फार फ्रॉम इट, बट वी आर ट्राइंग टू डू आवर जॉब. और अच्छे रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग ठीक होके जाते हैं, बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग बेटर. ऑफकोर्स ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बीमार होते हैं और दे लूज देयर लाइव्स, उनकी परसेंटेज भी है, लेकिन ऑल इन ऑल वी हैव डन अ गुड जॉब. बेसिकली हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है, मॉडरेटली इल पेशेंट्स और सिवियरली इल पेशेंट्स. जो मॉडरेटली इल पेशेंट्स हैं जो 10 लीटर से कम ऑक्सीजन पे हैं, वो इन पेशेंट भी मैनेज हो सकते हैं. हम उनको स्टेरॉइड्स भी दे रहे हैं, हम उनको एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन, हम उनको एंटी एलर्जिक्स भी दे रहे हैं, और हम उनको स्टैटिन्स भी दे रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, हम उसको एज एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज कर रहे हैं. जो लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं 10 लीटर से ज्यादा, वो आईसीयू में ट्रांसफर हो जाते हैं. बेसिकली आईसीयू में ट्रांसफर होने के बाद पेशेंट पोस्चर प्रोनिंग, इवन वो मरीज जो वेंटिलेटर पे भी नहीं है, उनको उल्टा लेटना, कितनी देर उल्टा लेटना, कितनी देर करवट से लेटना, कितनी देर सीधा लेटना, इसकी एजुकेशन देते हैं हम उन्हें. वो तो इवन इन पेशेंट आईपीडी में भी हम देते हैं उनको, आईसीयू में हम इस पर ज्यादा जोर देते हैं. फिर डिपेंड करता है कि मरीज को किस तरह की ऑक्सीजनेशन की जरूरत है, फेस मास्क से लेके नॉन रिब्रीदर एक ऐसा मास्क है जिसमें 10 से 15 लीटर तक ऑक्सीजन दी जा सकती है, उसके बाद हाई फ्लो ऑक्सीजन, और उसके बाद बाईपैप, सीपैप, डिफरेंट चीजें जो हम यूज करते हैं. मेडिसिन में आपने नाम लिया, तो हम स्टेरॉइड्स हमने यूज किए हैं पिछले 3-4 महीने से हम यूज कर रहे हैं. टोक्यूलुज़ुमैब जो आप तो उसके बारे में बेहतर जानते होंगे, वो हम यूज करते हैं, लेकिन सेलेक्टेड पेशेंट्स में, एक क्राइटेरिया के मुताबिक, एक मरीज के फलां 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 टेस्ट एक लेवल के होंगे तो उसको टोक्यूलुज़ुमैब मिलेगी, हर पेशेंट को नहीं मिलेगी. यूं नहीं है. यहाँ पे एक और मैसेज देना जरूरी है, पब्लिक स्टेरॉयड का नाम पढ़ के, टोक्यूलुज़ुमैब का नाम पढ़ के उनके पीछे भागना शुरू कर देती है और यूज करना शुरू करती है. ये हर दवाई के अपने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. ये उस वक्त यूज की जाती है जब मरीज एक लिमिट से ज्यादा बीमार हो जाए, सीरियस मरीजों में यूज की जाती है. एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है. लोग इन दवाइयों को उठा लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, मतलब ये भी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका एहसास करें. क्योंकि एक चीज जो समझने की जरूरत है ना, दिस इज पाकिस्तान में ये हर घर की तरफ बढ़ रहा है. सो हमें ये समझने की जरूरत है, ये वाकई एक बड़ा डेंजरस सिग्नल है जो सबके लिए है. तो टॉलरेंस रखनी आपस में, और डॉक्टर पर रिलाय करना, डॉक्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मैंने मेंशन की हैं, इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच चाहिए. हर इंसान को अपना रोल अदा करने की जरूरत है, क्योंकि आई थिंक हम बहुत मुश्किल टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में नेक्स्ट 2-3 महीने में. वेल उमर, बहुत आपने जो है ना कैंडिड और हार्टफेल्ट अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर की है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट आपका टाइम का बहुत शुक्रिया. और फिर मैं आपकी जो हेल्थ केयर टीम है, आपके आईसीयू की नर्सेस, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, सफाई वाला अमला, और जो भी अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों का ख्याल कर रहे हैं, उनको हम मेरी तरफ से, हमारी सारी व्यूअर्स की तरफ से आप उनको हमारी अप्रिसिएशन भुजाएं. और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन PKLI को भी हमारी तरफ से अप्रिसिएशन है कि उन्होंने जो रोल मॉडल अदा किया है, आई होप के वो बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें और अवाम सेहतियाब होकर अपने घरों को जा सके. विद डैट आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस सेशन. आई होप कि 2-1 हफ्तों में दोबारा हम आपसे बात करेंगे और आप हमें मजीद अपडेट देंगे. मैं आखिरी मैसेज फिर से देना चाहता हूँ, प्लीज़ सलाम पेश करें उन नर्सेस को, उन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को, उन सफाई वालों को, जिनको हमने अपनी लाइफ में शायद कुछ नहीं समझा कभी भी, और जो हमारे लिए जान की बाजी लगा रहे हैं. रियली दे आर वेरी वेरी वैल्यूएबल. मैं उनकी जितनी इज्जत करता हूँ ना, आई कैन नॉट, मैं लफ्जों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट टू ऑल ऑफ आवर अवेयरनेस. व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर उमर फारूक की बात को गौर से सुने, इस मैसेज को शेयर करें इस चैनल पे जिसमें डॉक्टर्स हेल्थ टॉक शो है, उस पर सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें. इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स जो
पाकिस्तानी अवाम की पब्लिक हेल्थ की बेहतरी के लिए है, वही आके आपसे बात करते हैं। और हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी अवाम को एक ऑनेस्ट मैसेज मिले। विद डैट मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर व्यूइंग। उमर हैव अ ब्लेस्ड डे और अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू, आपको भी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।